राजस्थान के रास्ते उड़ता इंदौर, नाबालिगों से कराते धंधा। 18 लाख की ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए आरोपियों का बड़ा खुलासा। जी हाँ, इंदौर क्राइम ब्रांच ने 18 लाख की ब्राउन शुगर के साथ जिन 5 आरोपियों को पकड़ा था, उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में एक तस्कर ने बताया कि प्रतापगढ़ राजस्थान का ड्रग्स तस्कर इंदौर के 2 दर्जन पेडलर को माल सप्लाई करता है, साथ ही वह इंदौर के बाणगंगा इलाके में ब्राउन शुगर बेचने वाले को 2 कस्टमर के बीच चल रहे विवाद में भी समझौता करवाने वाला था। साथ ही आरोपी तस्कर ने सप्लाई चेन बढ़ने के चलते मुंबई और केरल के रास्ते भी इंदौर में ड्रग्स सप्लाई होने की बात कही है। पुलिस को अब इंदौर से जुड़े और तस्करों की तलाश है। टीआई धरेंद्र सिंह भदौरिया की टीम ने सोहेल उर्फ सोनू पुत्र असलम खान निवासी पठान मोहल्ला प्रतापगढ़ राजस्थान को पकड़ा था। आरोपियों से अब बाणगंगा पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी सोहेल ने बताया कि उसकी टीम में बड़ी संख्या में तस्कर जुड़े हैं, जो इंदौर और आसपास के जिलों में करीब 2 दर्जन लोगों को माल सप्लाई करती हैं। समय समय पर लड़के रुपए देकर हाईवे पर माल देकर चले जाते हैं। सोहेल ने बताया कि ड्रग्स सप्लाई में 3 टीम काम करती है। तीनों को एक दूसरे की जानकारी नहीं होती है। सबसे आगे टीम ए होती है, इसके पीछे टीम बी जाती है, जो रेकी करता है कि पार्टी कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है। इसके काम में कई बार बहुत अधिक समय लग जाता है, लेकिन फिर भी इसकी तरफ से हरी झंडी मिले बगैर माल की डिलीवरी नहीं की जाती। सबसे आखिरी में टीम सी डिलीवरी करती है। एक बार डिलीवरी देने के बाद टीम सी न पलटती है और न ही कहीं रुकती है। इस तरह से उनकी पूरी सप्लाई चेन काम करती है, ताकि पुलिस और मुखबिरों की नज़र से बचा जा सके। कंपटीशन में हो रहा था नुकसान। साहिल के मुताबिक अजय और रोहित भागीरथपुरा इलाके में रहते हैं, जहां से वे दोनों नाबालिगों के माध्यम से ड्रग्स बिकवाते हैं। यहां दोनों के बीच चल रहे कंपटीशन की वजह से बिजनेस का नुकसान हो रहा है, जिसके बाद प्रतापगढ़ से मुझे दोनों के बीच समझौता कराने को कहा गया था, ताकि बिजनेस प्रभावित न हो। लेकिन इसी बीच पुलिस ने पकड़ लिया सोनू से, और भी ड्रग्स पेडलर मिलने आने वाले थे, लेकिन कार्रवाई के बाद कोई नहीं आया। केरल के रास्ते मुंबई से भी हो रही ड्रग्स की तस्करी। क्राइम ब्रांच और पुलिस की पूछताछ में सोनू ने बताया कि जब अलग तरह के माल की खपत ज़्यादा होने लगती है, तो केरल के रास्ते मुंबई होते हुए इंदौर भी ड्रग्स पहुंचती है। वह सब तरह की ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की माने तो इस मामले में अब और सप्लाई चेन ढूंढने के साथ इंदौर के तस्करों की जानकारी जुटाई जा रही है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।